अरे सर तो मेरी बहुत तारीफ। यस मैम, आप मैम आप तारीफ की हकदार है मैम। मैम आप बोलिए, मैं बोलता जाऊंगा। सर मेरी बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू मैम। सो थैंक यू सुपरस्टार रितेश मेरी तारीफ करने के लिए। बट यार मुझे बहुत मजा आ रहा है एक माँ बन के, सच बता रही हूँ। हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करते एक्टर्स, तो हम आपके बच्चे नहीं रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इस रोल के लिए आपने बच्चे भी नहीं किए क्या मैम? हाँ सॉरी मैम, भूल गई आपने क्या पूछा। पर कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि फेम ऐसी चीज़ होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। एक एक आर्टिकल एक फोटो से क्या होगा हमें भी नहीं पता होता, यू नो, और वो भी हम एक पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर में ही डालते हैं। मैं तो फोटो भी नहीं डालता कभी। मैं इंदू का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और इंदू जो है एक आरटीओ ऑफिसर है, उसकी लाइफ में एक बच्ची आ जाती है सडनली, और बाय डिफॉल्ट यू नो बाय एक्सीडेंट वो एक मदर बन जाती हैं, और किस तरह वो जर्नी उन्हें चेंज करती है और किस तरह वो बच्ची उन्हें रितेश से मिलाती है और ये एक अडोरेबल फैमिली बनती है। ये और बहुत ही सिंपल सी साधारण सी नेक्स्ट डोर लड़की है, बट बहुत ही इंडिपेंडेंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटेड है। वो अपने डिसीजंस पे बहुत ही क्लियर है और टोटली फैमिली ओरिएंटेड है। आई थिंक एक छोटी सिस्टर भी है उसकी, है ना, प्यारी है। बहुत प्यारी है इनसे भी ज़्यादा। जी ये एक्टिंग करने का बोला है हमें संदीप सर ने। वी हेट ईच अदर एक्चुअली। हम जैसी वहां हां वहां हम शक्ल नहीं देखते एक दूसरे की। डिसाइड कर लिया था हम एक दूसरे को सर और मैम बुलाते हैं इनफैक्ट। आई स्वेयर है ना मैम। नहीं मैम, नहीं मैम, इट्स ओके मैम, आई विल कॉल यू सर एंड मैम बोथ। सर मैम इज कॉलिंग यू। आपने सर बोला था। हां तो एक्चुअली क्या हो जाता है कभी-कभी, बिकॉज़ people sometimes call you sir, and sir is a very colloquial way of calling everybody, क्योंकि हमें जब समझ नहीं आता किसी को क्या बुलाए हम सर बुलाते हैं, हम जी लगा देते हैं। इंडिया में हम किसी को फर्स्ट नेम से बहुत बाद में बुलाते हैं। जैसे मैं भी जब साइली को फर्स्ट डे मिला था मैं भी आप करके ही बात करता हूँ, मैं जनरली तू या तुम करके बात नहीं करता, क्योंकि आपको नहीं पता किसी को पसंद है या नहीं। सो वो courtesy होती है, तो आई थिंक वो courtesy थोड़ी चिपक गई, थोड़ी एक्सटेंड हो गई। तो वो दो तीन बार उन्होंने सीन में सर बोल दिया और मैंने मैम बोल दिया, तो वो सर और मैम एक्सचेंज में आ गया। डिसएडवांटेज तो कोई नहीं है। देखिए कोई भी डिफॉल्ट से सुपरस्टार बनता नहीं है, और बनता है तो रहता नहीं है, यू नो। हमारा काम बहुत ही इंटेंशनल काम है, हम इंटेंशनली अपना अपने आप को इस तरह दिखाते हैं या चीज़ें करते हैं या सीन करते हैं, और उसमें हमारी एक पर्सनैलिटी होती है जो हमें सुपरस्टार बनाती है। सुपरस्टार जो होता है ना वो पर्सनैलिटी से होता है। फिल्में हर कोई करता है पर सुपरस्टार हर कोई नहीं होता, क्योंकि वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी आपको पसंद है तो आप बोलते हो मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हैंस वो बंदा सुपरस्टार है, यू नो। चाहे कुछ भी हो, चाहे उनका डांस हो, बॉडी हो, वॉइस हो, कपड़े हो, कुछ भी हो सकता है उनके बारे में। तो रितेश जो मैं प्ले करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मुझसे अलग है, क्योंकि मैं एक मूवी स्टार की तरह ना जीता हूँ, ना बिहेव करता हूँ, ना पोर्ट्रे करता हूँ। मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल अप्रोच रखता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, और रितेश नहीं रखता। रितेश एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, एक बहुत ही आउटगोइंग, बहुत ही पब्लिक अपीलिंग अप्रोच रखता है। तो मज़ा तो आता है डेफिनेटली, वो एड्यूलेशन किसको पसंद नहीं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ मूवी स्टार। यार हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करते एक्टर्स, तो हम आपके बच्चे नहीं रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया आपने। इस रोल के लिए आपने बच्चे भी नहीं किए क्या मैम? हाँ सॉरी मैम, भूल गई आपने क्या पूछा। यार हम हर एक कैरेक्टर, मतलब हम वैसे नहीं होते जो हमें कैरेक्टर दिए जाते हैं, ये हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हम पोर्ट्रे करते हैं, तो वो हर बार डिफिकल्ट उतना ही होता है जितना मेरे लिए अभी है। सो यस, एक माँ बनना, मेरे पास एक डॉग था तो मैं जानती हूँ कि उसकी माँ बनना मेरे लिए क्या था, तो एक बच्चा भी मेरे लिए वैसा ही है, और अभी तो मैं इन्जॉय कर रही हूँ इस एक्सपीरियंस को। मुझे मज़ा आ रहा है एक माँ बन के। एक्चुअली इनकी जो इनोसेंस वो इनकी गोल्डन टिकट है, ये इन्हें कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जब भी लाइफ में पता चल रहा है, जब समय आएगा पता चल जाएगा, इनकी इनोसेंस और इनकी ऑनेस्टी इनकी गोल्डन टिकट। और जिस ऑनेस्टी से ये अपने सीन करती हैं या जिस इंटरेस्ट से करती हैं, जिससे अपने इन्होंने अपने पेट की बात की अभी, तो वो जब पेट था तब ये और छोटी थी शो से, यू नो, जो भी इनकी उम्र आज है उससे और कम थी। तो वो
वो जज्बा कह लो, वो इमोशन कह लो, सेंटिमेंट कह लो, वो उनमें एक आ चुका है और वो उसी को यूज़ करके या इमेजिन करके या रेफरेंस पॉइंट बना के जून के साथ सीन्स करती हैं. तो यू नो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच समबडी हु इज नॉट प्रिटेंडिंग टू लाइक मदरहुड. अरे सर तो मेरी बहुत तारीफ. यस मैम, आप मैम आप तारीफ की हकदार है मैम. मैम आप बोलिए, मैं बोलता जाऊंगा. करण मेरी बहुत तारीफ करते हैं. थैंक यू मैम. सो थैंक यू सुपरस्टार रितेश मेरी तारीफ करने के लिए. बट यार मुझे बहुत मजा आ रहा है एक माँ बन के, सच बता रही हूँ. उस बच्ची को पता नहीं मनाना, उसे उसके साथ मैं रूठ जाती हूँ कभी कभी, कभी कभी हम खेलते हैं. तो आई एम एंजॉइंग दिस जर्नी, मुझे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने मिल रहा है. आई एम एंजॉइंग, आई एम लविंग. आप ही पालो इसको. मुझे ऐसा लगता है एक टाइम के बाद उनकी माँ यही कहेंगी कि बाबा आप देख लो मैं जा रही हूँ. इमेजिन कितना ब्यूटीफुल रहेगा ना कि अगर सपोज हमने ये शो 5-6 साल कर लिया और वो बच्चा 10-12 साल 15 साल का हो गया, यू नो मुझे मम्मा नहीं बुलाएगी. नहीं नहीं, बट वो एकदम अलग, आपको दो अलग इंसान देखने को मिलेंगे जिसके साथ आपने स्टार्ट किया था और जिसके साथ आप शूटिंग कर रहे हैं. राइट. जी जी जी. अच्छा तो उसके ऊपर क्या कहना है, उसमें भी ऐसे ही था बट उसमें सिर्फ एक ट्विस्ट था कि वहाँ पर माँ नहीं थी, वहाँ पर बाप से ही किया था मदर से. अच्छा उसके ऊपर क्या कहना है, यह है मोहब्बतें नहीं देखा आपने. मैं आपको एक मेरा एक वो बताता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ. मैं शो की रेफरेंस पॉइंट नहीं निकाल सकता, स्टोरी नहीं निकाल सकता, क्योंकि कैरेक्टर्स और सिचुएशंस अलग होते हैं. अब आप बोल देंगे वो भी एक एक्शन फिल्म थी, ये भी एक रोमांटिक फिल्म है, कैरेक्टर और सिचुएशन अलग होते हैं. छोटी सी बात है, एक बच्चे का माँ ना होना अलग बात होती है और एक बाप ना होना एक टोटली अलग बात होती है. वो बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसके एटीट्यूड में, उसकी परसेप्शन में सब कुछ चेंज हो जाता है. और स्पेशली एक लॉस्ट एंड फाउंड बच्चा होना, वो उसकी माँ भी नहीं है, वो राइटफुली लीगली क्लेम भी नहीं कर सकती है मेरा बच्चा है, ये उसका बाप नहीं है, ये अलग पैरेलल दुनिया में रहता है. तो खाली सिचुएशनल ये है कि एक बच्चा दो लोगों को मिला था, बस सिचुएशन ही इतनी है, बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं है. एंड आई गारंटी आप ये है मोहब्बत एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही वंडरफुल शो है. एंड ऑफकोर्स संदीप सर का ही शो है. सो कुछ एलिमेंट्स हमेशा होते हैं रोमांस के, लव के, पेरेंटहुड के, और उससे चीज़ सिमिलर होती है, सेम नहीं. यार मेरी लाइफ में कोई ऐसा ज़्यादा चेंज है नहीं, और सच कहूँ तो ये एक ऐसी जर्नी है कि अगर मैं नहीं बताता या अगर मैं एक्टर नहीं होता तो आई गारंटी किसी को मालूम भी नहीं पड़ता. मैं तो उतने हद तक क्वाइट था, पर कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि फेम ऐसी चीज़ होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती. एक आर्टिकल, एक फ़ोटो से क्या होगा हमें भी नहीं पता होता, यू नो, और वो भी हम एक पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर में ही डालते हैं. मैं तो फ़ोटो भी नहीं डालता कभी, तो ठीक है, आई मीन आई एम ओके विद इट. बट पर्सनली हम दोनों की लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, वी आर द सेम पीपल, वी लाइक टू डू द सेम थिंग्स. हम काफ़ी सालों से साथ में हैं और साथ में रहते भी हैं, तो ऐसा लाइफ में भी कोई चेंज नहीं आया. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट स्टेप, इफ यू फील लाइक इट डू इट. ये वो तो अभी साहिली कहीं, मैम आप कहिए. जैसे कि आज तक आप हमसे बहुत प्यार करते आए हैं, इस बार भी बहुत प्यार कीजिएगा.